खबर श्योपुर से। यहां पर मेडिकल स्टोर और मेडिकल एजेंसियों से बेखौफ नशे की दवाइयों की बिक्री की जा रही है, जहां पर गंभीर शिकायतों के चलते कलेक्टर शिवम वर्मा ने सख्ती दिखाना भी शुरू कर दिया है। शहर में मेडिकल स्टोर में नशीली और नकली अमानक दवाइयों के कारोबार की शिकायतों के बाद श्योपुर SDM लोकेंद्र सरल ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ शहर के मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की। SDM लोकेंद्र सरल ने शहर के बजरंग मेडिकल स्टोर सहित सौरभ मेडिकल एजेंसियों पर रेड डाला और मेडिकल स्टोर पर मौजूद दवाइयों की जांच पड़ताल करते हुए मेडिकल एजेंसी संचालकों के गोदाम भी चेक किए। कई मेडिकल संचालकों में हड़कंप भी मच गया तो कई मेडिकल संचालक दुकानों के शटर गिराकर भाग निकले। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आज सबसे पहले तो सौरभ मेडिकल स्टोर पर और बजरंग मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की, जिस पे हमें भारी मात्रा में एक्सपायर्ड आइटम मिला है। और ये चूंकि दोनों ही होलसेल डीलर्स थे तो हमने देखा कि इन्होंने काफी यहाँ पे डॉक्टरों को भी और रिटेल में भी सामान देता हुआ चेक किया गया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए खबर मध्य प्रदेश में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ।